गाइज आज मैं आपको एक फ्लैट दिखाने वाली हूँ थ्री बी एच के इन वन फिफ्टी यार्ड इन दिस ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑक्यूपाइड सोसाइटी में यहाँ पे जो आपको फ्लैट मिलने वाला है वो आपको कंप्लीटली रेडी टू मूव इन मिलने वाला है बहुत सारी एमिनिटीज भी हैं सो गाइज आज के हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कासा होम्स है जो लोकेटेड है आपके 115 सेक्टर मुहाली में, on highway, जो कि आपका काफी बिजी हाईवे है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ से आप कहीं के लिए भी इजीली हेड कर सकते हैं टुवर्ड्स हिमाचल भी जा सकते हैं टूवर्ड्स फॉर्दर पंजाब टूवर्ड्स डेली हरियाणा कहीं के लिए भी यहाँ से आपको ईजिली एक्सेस मिल जाएगा सो so गाइज कुछ इस तरीके की एंट्रेंस रहेगी हमारी आज के प्रोजेक्ट की एंड सामने आप देख सकते हैं हमारा मेन गेट जिसमें आपको एंट्री एंड एग्जिट दोनों डिफरेंट मिल जाएगा इस साइड से आपका एंट्री है उस साइड से आपका एग्जिट है गेट पे आपके गार्ड्स जो हैं वो ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल रहेंगे पूरा आपका गेटेड टाउनशिप रहने वाला है सो so गाइज uh, अब हम टाउनशिप के अंदर एंटर कर चुके हैं एंटर करते है, यहाँ पे काफी बड़ा सा एक पार्क रहने वाला है प्रोजेक्ट में आपको इम्यूनिटीज भी काफी सारी मिलेंगी जैसे कि दो आपके काफी बड़े पार्क रहे रहेंगे जो आपके इन साइड वाले रोड हैं ये आपके 40 टू 45 फीट वाइड आ जाएंगे जो आपकी एंट्रेंस थी वो आपकी 110 फीट वाइड रहेगी एंड uh, अगर मैं बात करूंगी सोसाइटी की तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 80 परसेंट ऑफ uh, जो टाउनशिप है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा वो आपका टू बी रहेगा uh, दो कैटेगरीज में मिल जाएगा एक आपका विद लिफ्ट है एक आपका विदाउट लिफ्ट है आप चूज कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट में आपको क्लब हाउस भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपके इंडोर गेम्स रहेंगी जिमनाजियम रहेगा आपका कम्युनिटी सेंटर रहेगा जहाँ पे आप आ, जो आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं वो आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो so, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ एक पार्क में ये भी आपका इंक्लूडेड रहेगा टाउनशिप के अंदर जहाँ पे जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं आपके बच्चे यहाँ पे आके खेल सकते हैं अगर मैं बात करूंगी पूरी ही टाउनशिप की जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडी टू मूव टाउनशिप है

सो so गाइज़ ये तो हो गई हमारी बाहर की बातें अब आइए चलते हैं एंड आपको अपार्टमेंट दिखाती हूँ आइए सो so, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे एक आपका आ जाता है जी प्लस टू कंसेप्ट के साथ जो आपका विद लिफ्ट रहेगा सेकंड आ जाता है जी प्लस टू के साथ ही अगेन बट वो आपका विदाउट लिफ्ट रहने वाला है जो आपका लिफ्ट वाला है उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी आज मैं जिस अपार्टमेंट की वीडियो बनाने वाली हूँ ये आपका विदाउट लिफ्ट रहने वाला है बट ये अपार्टमेंट आपको फुली फर्निश्ड मिलेगा आइए चलते हैं सो गाइज यहाँ है हमारा अपार्टमेंटल अपार्टमेंट एक्चुअल भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि आपको जैसा आप ये अपार्टमेंट देखेंगे आपको वैसा ही हैंड किया जाएगा आइए चलते हैं अंदर सो गाइज दिस इज आवर अपार्टमेंट अंडर 150 फिफ्टी यार्ड जो आपको मिलने वाला है फुली फर्निश्ड मतलब यहाँ पे आप जो भी चीजें देखेंगे वो आपको एज इट इज प्रोवाइड की जाएंगी तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं हमारे ड्रॉइंग एरिया से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईजिली आपका फाइव टू सिक्स सीटर अकोमोडेट हो सकता है इतना स्पेस आपको ड्रॉइंग एरिया में मिल रहा है सामने वाली वॉल पे आपका एल पैनल लग जाएगा अः uh, वॉल काफी बड़ी है तो आप जितना भी मर्जी बड़ा पैनल यहाँ पे बनाना चाहे बना सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके का डिजाइन अः भी आपको मिल जाएगा अपार्टमेंट के अंदर बिकॉज आपको ये फुली फर्निश मिल रहा है तो फ्रेम डिजाइन भी आपका काफी अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है फॉल सेलिंग आपका पूरे घर में ही जो आप देखेंगे एज इट इज रहने वाला है डिजाइन uh, भी काफी अच्छा है इसके साथ आपका बाल्कनी अटैच रहेगा आपके ड्राइंग एरिया के साथ जिसमें आपको दो डोर मिल जाते हैं एक आपका मैश डोर आ जाएगा एंड एक आ जाएगा आपका नॉर्मल डोर सो यहाँ पे आपको दो डोर मिल जाते हैं एक आपका मैश डोर रहेगा एक आपका नॉर्मल डोर रहेगा विद टफ ग्लास सो कुछ इस तरीके का स्पेस है बालकनी का जो आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा अः uh, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली अपना वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी करना है वो भी कर सकते हैं अगर आपको छोटा मोटा सिटिंग के लिए कोई अरेंजमेंट करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड वन मोर थिंग गाइस कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर है फिर भी आपको इसमें बालकनी प्रोवाइड की जा रही है तो जो स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का वो मुझे काफी अच्छा लगा है एंड जो आपकी बालकनी है वो भी आपकी लिफ्टेड बालकनी है सो ये था हमारा ड्रॉइंग एरिया एंड उसके साथ कनेक्टेड बालकनी Uh, ए सी आपका पूरा यहाँ पे लगा हुआ है फॉल सीलिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज इट इज रहेगा वॉल पेपर आपके वॉल्स पे कंप्लीट आ जाएंगे अः एलईडी पैनल के स्पेस पे आपका ये फ्रेमवर्क आ जाएगा जो कि अगेन काफी ब्यूटिफुल है एंड नाउ ये आ जाएगा हमारा डाइनिंग स्पेस जो आपके किचन के बिल्कुल सामने रहने वाला है यहाँ पे आप अपना इजिली फाइव टू सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉल सीलिंग आपका यहाँ पे भी कंप्लीट डिजाइन रहने वाला है इसमें सामने वाली वॉल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पैनल वर्क आ जाएगा आपका जिसमें आपका वेलवेट का पैनलिंग है कंप्लीट मिरर वर्क भी आप इसमें देख सकते हैं इस डिजाइन में नाउ हियर कम्स आर किचन अगर बात करूंगी पर्टिकुलर साइज की तो ड्राइंग डाइनिंग जो था आपका उसका साइज रहने वाला है आपका सवा दस बाय सवा दस का uh, जो आपका ड्राइंग डाइनिंग आ जाएगा ये आपका दस बाय चौदाह का इसका साइज आ जाएगा कंप्लीट किचन एंड आपका डाइनिंग सो किचन की स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर आपका विद द विदर्चे प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका कंप्लीट कुकिंग काउंटर आ जाएगा जहां पे आपका हॉब चिमनी ऑलरेडी लगा हुआ है आपको कैबिनेट्स आपके कुछ इस तरीके के रहेंगे स्पेस काफी अच्छा है अंदर एंड इस साइड भी आप देख सकते हैं अगेन स्टोरेज के लिए स्पेस बन जाता है इसी में यहाँ पे ना आपको एक विंडो भी मिल जाती है तो वेंटिलेशन के लिए लाइटिंग के लिए भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है एंड कोई भी आपका जैसे पार्सल वगैरह आता है आप डोर नहीं खोलना चाहते आप डायरेक्टली यहाँ से रिसीव कर सकते हैं या फिर कोई भी आपके डोर पे आता है यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं कि कौन आया है लोअर कैबिनेट की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विद सॉफ्ट क्लोजर नीचे आपका डिफरेंट साइजेस आ जाएंगे छोटा साइज भी है बड़ा साइज भी मिल जाएगा आपको मतलब जितना भी आपका स्टफ होता है किचन का जो भी आटा चावल वगैरह वो सारा आपका यहाँ पे इजिली आ जाएगा सो so यहाँ पे आ जाएगा हमारा डुल सिंक फॉर योर यूटेंसिल्स जहाँ पे आप अपने बर्तन धो सकते हैं एंड उनको ऊपर यहाँ पे धोके रख सकते हैं एंड साथ ही यहाँ पे आपका प्योरिफायर भी आ जाएगा जो आपको विद द परचेज मिलेगा so ये था हमारा किचन इसी के साथ अब हमारा ड्राइंग डाइनिंग एंड किचन कंप्लीट होता है जो मैं आपको कंप्लीट दिखा चुकी हूं इसमें गाइस जितनी भी चीजें आपने देखी हैं फॉल सीलिंग हो गया आपका आपका फर्नीचर हो गया वॉल्स पे आपके वॉलपेपर हो गए ये फ्रेमवर्क हो गया, गया यहाँ पे आप ये पीस थोड़ा सा देख सकते हैं सो uh, so ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड रहेगी विद द विदर्चे अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स बेडरूम्स तो यहां आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम सो रूम के साइज की स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो 12 बाय 10 का ये रूम रहने वाला है uh, जहाँ पे आपका बेड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे आपका कवर्ड आ जाएगा सामने आपका एलईडी पैनल आ जाएगा फिर भी मेरे पास मतलब इतना स्पेस बच जाता है मूव करने के लिए कि मैं अपनी बालकनी में इजीली जा सकती हूँ उस साइड हमारा वॉशरूम है उसमें इजिली जा सकती हूँ uh, सामने अगर बात करेंगे एलईडी पैनल की तो काफी बड़ा वॉल मिल रहा है आपको जहां पे आप अपना स्क्रीन डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या फिर पैनलिंग अगर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा आपका कबर्ड जिसके अंदर अगर आप स्पेस देखेंगे तो काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है आपको जहां पे आप अपना क्लोथ्स वगैरह जितना भी होता है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेल्कनी मैंने आपको ड्राइंग एरिया से दिखा दी थी सेम बेल्कनी रहने वाली है उसके ठीक ऊपर आ जाएगा आपका ए एंड यहाँ रहेगा हमारा वॉशरूम सो so, वॉशरूम में साइज सबसे पहले काफी अच्छा है यहाँ पे आपका बेसिन आ जाएगा वैनिटी आपकी साथ में रहेगी देन ये बाथिंग सेक्शन सीट आ जाएगा अगर मैं बात करूंगी सारी फिटिंग्स की तो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली हैं Uh, जो टाइलिंग है वो आपकी पूरी मैट फिनिश में आ जाएगी फ्लोरिंग आपका सारा जो है वो एंटिस्टिट रहने वाला है एंड एग्जॉस्ट भी प्रोवाइडेड है यहाँ पे एंड विंडो भी है फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम एंड उसका वॉशरूम एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर सेकेंड बेडरूम वैसे सेकेंड ये होना चाहिए था बट ये मास्टर बेडरूम है तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी सो so, ये है हमारा सेकेंड बेडरूम जिसके अगर अगेन साइज की बात करेंगे दस इसका भी रहने वाला है इसमें भी आपका बेड लगा हुआ है साइड टेबल्स सा आप देख सकते हैं फिर भी मेरे पास मूव करने के लिए काफी अच्छा स्पेस बच जाता है बेड के ऊपर आप ये ब्यूटीफुल सा पेंटिंग भी देख सकते हैं लाइटिंग आपकी फैंसी लाइट्स काफी ब्यूटीफुल लगी हुई हैं। सामने वाली वॉल पे आ जाएगा पूरा वॉलपेपर वर्क जो आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन आपका यहाँ पे सामान रख सकते हैं आप जितनी भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो आप रख सकते हैं अपने रूम में तो कुछ ऐसा भी इसको रख सकते हैं या फिर अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं साइड आ जाएंगे हमारे कवर्स तो इनमें स्पेस आपका काफी अच्छा है रहने वाले हैं जिनमें आप अपना जितना भी स्टफ होता है वो सारा अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे एंड uh, इसी के साथ यहाँ आ जाएगा हमारा बैक यार्ड एंड आर वॉशरूम तो पहले वॉशरूम देख लेते हैं वॉशरूम में आपकी जितने भी सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी वो की रहने वाली हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी यहाँ पे आपकी सीट आ जाएगी देन योर बाथिंग सेक्शन एंड योर बेसिन यहाँ पे नीचे आप वैनिटी भी देख सकते हैं एग्जॉस्ट लगा हुआ है विंडो है आपका यहाँ पे टाइलिंग की बात करेंगे तो कलर आप देख सकते हैं काफी अच्छा दिया जा रहा है आपको वॉशरूम में फ्लोरिंग आपकी सारी एंटेस्ट रहने वाली है एंड इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैक यार्ड जहाँ पे अगेन आपका जो डोर रहने वाले हैं वो आपको दोनों डोर्स मिल जाएंगे एक आपका मैश डोर भी आ जाएगा एंड सेकेंड आपका टफन ग्लास भी रहेगा सो so ये आ जाएगा हमारा बैक यार्ड साइज देखिए आप बैक यार्ड का काफी अच्छा है जहाँ पे आप इजीली अपना वॉशिंग वगैरह का जितना भी एक्टिविटीज होती हैं वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं इवन uh, आप यहाँ पे प्लांट्स उगा सकते हैं गमले वगैरह लगा सकते हैं गार्डनिंग कर सकते हैं उनमें छोटी मोटी मतलब काफ़ी सारा स्पेस आपको यहाँ पे बाहर मिल जाता है टैप्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जैसे प्लांट्स को वाटरिंग वगैरह करना है वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी करना है वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं एंड साथ ही यही बैक जो है वो आपके मास्टर बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा तो वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं सो दिस वॉज़ आर सेकेंड बेडरूम एंड अब चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में जो कि हमारा थर्ड बेडरूम है इसके अगर साइज की बात करेंगे तो 14 12 इसका रहने वाला इंटू जिसमें आप बेड देख सकते हैं बेड लगाने के बाद भी आपके पास इतना स्पेस बच जाता है कि आप यहाँ पे एक चेयर या फिर एक काउच ऐड कर सकते हैं बालकनी आपके बैक के साथ कनेक्टेड रहेगी यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बेड के पीछे वाला जो आपका वॉल आ जाएगा उसमें आप देख सकते हैं आपका पूरा वॉल पेपर यूज किया गया है फैंसी तो आप पैनल जिस तरीके का लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं साथ ही साइड आ जाएंगे हमारे कवर्स जो कि अगेन आपको बहुत अच्छे स्पेस के साथ मिल जाएंगे स्लाइडिंग डोर के साथ रहेंगे लेआउट काफी अच्छा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड भी स्पेस है इस साइड भी आपका स्पेस आ जाएगा जहाँ पे आप अपना जितना भी स्टफ होता है वो इजीली रख सकते हैं सो so ये था हमारा रूम हमारा मास्टर बेडरूम जिसमें आपका जो फ्लोरिंग रहेगा गाइस, वो आपका सारा वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे रहने वाला है एंड इसका जो एक कबर्ड तो आपको वहां पे मिल रहा है एक इसका क्लोजेट एरिया आपका डिफरेंट अंदर भी आ जाएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपको काफ़ी अच्छे साइज के साथ मिल रहा है मतलब मास्टर बेडरूम में आपको जो स्टोरेज मिल रही है अपना आ, सामान रखने के लिए अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए उनको एडजस्ट करने के लिए वो आपको काफ़ी सारी मिल रही है उसमें आपको नीचे भी स्पेस मिल रहा था ऊपर भी स्पेस है इसमें भी आपका नीचे भी स्पेस है ऊपर भी है एंड नीचे आपके फुटवेयर्स के लिए भी एक डिफरेंट स्पेस आ जाएगा एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम जो आपका काफ़ी अच्छे साइज के साथ आता है फर्स्टली यहाँ पे रहेगा आपका सीट सेक्शन आपका देशन uh, आ जाएगा भी आपको यहाँ पे काफी डिफरेंट तरीके का मिल रहा है कुछ अः uh, यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी आ जाएगा जितनी भी आपकी फिटिंग्स रहने वाली है वो आपकी सारी जैगवार की रहेंगी एंड जो टाइलिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉल पे काफी अच्छे डिजाइन के साथ आ जाएगा फ्लोरिंग आपकी सारी एंटेस्कट रहने वाली है सो so सोइ्स ये था हमारा थर्ड बेडरूम जो है हमारा मास्टर बेडरूम इसी के साथ हमारे घर का टूर कंप्लीट होता है आ, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा मैंने आपसे किसी और वीडियो में फिर नहीं था बाय बाय